केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बातचीत की अपील के बाद किसान मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि पंजाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशर्त जल्दी मिलने की इच्छा कही है, लेकिन ये बात सही नहीं। उन्हें बिना शर्त खुले दिल से बातचीत की पेशकश करनी चाहिए थी। किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि संबंध में हम बैठक करने के बाद ही कोई अपनी प्रतिक्रिया तय करेंगे। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि सरकार किसान की हर मांग और हर समस्या पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह ने किसानों को बातचीत करने का न्योता भी दिया और ये भी कहा कि अगर किसान जल्द बातचीत करना चाहते हैं तो वे प्रदर्शन करने के लिए तय की गई जगह पर शिफ्ट हो जाएं और उसके अगले दिन सरकार उनसे चर्चा करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि मैं प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील करता हूँ कि भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों को कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को बातचीत करने के लिए बुलाया है। सरकार किसानों की मांगों और सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए भी पूर्णतः तैयार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कई स्थानों पर किसान इस ठंड में अपने ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ डटे हुए हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको बड़े मैदान में लेकर जाएगी और कृपया वहां जाएं और कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति भी आपको दी जाएगी। तो बता दें कि इस पूरे मामले में किसान नेता इस बात से भी खफा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने सशर्त उनको मिलने की बात क्यों कही, उनसे बातचीत करने की बात क्यों कही, क्यों खुले दिल से बातचीत करने की पेशकश क्यों नहीं की गई। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वो तय की गई जगह पर जाने को तैयार नहीं। उनका मानना है कि गृह मंत्री को खुले दिल से बातचीत करने की पेशकश करनी चाहिए थी, ना कि किसी शर्त के साथ उनसे बातचीत करने की अपील की जाए। और वहीं एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस द्वारा तय की गई जगह पर शिफ्ट हो जाएं जहां पूरी सुविधा उन्हें मिलेगी और वहां जाकर वो अपना आंदोलन जारी करें। और इसी खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर जुड़ने के लिए आपका। ज्योति, पहले तो आपको धन्यवाद इसके लिए कि आप इस इशू को लगातार उठा रहे हैं। जी जी रामपाल जी, देखिए इस मुद्दे में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह खुले दिल से नहीं कह रहे हैं, जिसे आपका कहना है उनका एक शर्त है कि दिल्ली पुलिस ने जो जगह तय की है वहां पर किसान आंदोलन करे, वहां पूरी सुविधा आपको दी जाएगी, इस पर आपका क्या पक्ष है? सुविधाएं तो हर किसान के घर में छोटी मोटी तो उपलब्ध है ही, तो जो किसान सुविधाओं को छोड़कर आए हैं उनसे सुविधाओं की बात मत करो। अभी तो गृह मंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वे इस डेड लॉक को समाप्त करने के लिए बिना शर्त बात करें। कोई किसान कहीं भी है जिनको वार्ता होगा वहां से आ जाएंगे, इसलिए बिना शर्त के सरकार को खुले मन से आगे आना चाहिए, ये सबके हित की बात है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी को जी वो सारे मैनिफेस्टो पढ़ देने चाहिए इनकी खुद की पार्टी के ही, जो 1951 से लेकर 2019 तक जारी किए हैं। उनमें जो लिखा है वो तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात लिखी है और यही तो किसान चाह रहे हैं कि जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना, उनको आप लागू कराना है, उसके लिए कानून बनाना है। तो आप कह रहे हो MSP चालू रहेगा, इसको आपका लगातार पूरे देश ने सुन लिया, लेकिन जो आप बोल रहे हो उसको कानून बना दो, ये किसान चाहते हैं। तो आपकी कथनी और करनी ये एक जैसी लगेगी तो लोग जल्दी विश्वास करेंगे। जी रामपाल जी, जिस तरह से देखिए किसान जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि आपको तमाम सुविधाएं वहां मिलेगी जहां आंदोलन होगा, तो आपने भी कहा कि सुविधाओं की किसान को जरूरत नहीं है, जो आपकी मांगे हैं उन पर खुले दिल से बातचीत की जाए। लेकिन देखिए देश में जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन आज की तारीख में आपको ये कितना सार्थक लग रहा है? ज्योति, जो भी राजनीतिक दल है जब तक वो राज प्राप्त नहीं करते तब तो इस नारे के साथ वो लगातार बंधे रहते हैं। जैसे ही उनको राज प्राप्त होता है वैसे ही वो पलटा खाते हैं और वो किसानों को ऐसे मानते हैं जैसे ये डिस्पोजल प्लेट हो, जलेबी रखनी हो तो
उस प्लेट में रखकर खाओ और जलेबी खाते ही उस प्लेट को कूड़ेदान में फेंक दो। यही व्यवहार राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब सरकार ये कह रहे हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं, तो हमारे कई किसान इनका बंद है, अभी कई को रोका हुआ है, कई को नजरबंद किया हुआ है। सरकार ये सब उसका नॉर्मलाइज करे, इसको नॉर्मल वातावरण बने, फिर जो किसानों के खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं उनको रोके। इसलिए वातावरण बनावे वार्ता का, ये सरकार को ऊपर दायित्व होता है। सरकार सबकी चुनी हुई होती है, ये किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो सरकार को तो किसानों के बारे में सोचना ही चाहिए। फिर उनके खुद के मैनिफेस्टो भी यही कहते हैं कि भाई किसान को हम लाभ दिलाएंगे, किसान को हम उन्नत बनाएंगे, ऋण मुक्त बनाएंगे, ये सब बीजेपी की मैनिफेस्टो की बात है। इसलिए जिनके लिए उस समय कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी भड़का रही है किसानों को, आज वही रटी पिटी भाषा बीजेपी ने बोलना शुरू कर दी सत्ता माते। तो जब तक ये राज में नहीं थे तब तक ये भड़काते थे, और जब राज में आ गए तो ये कह रहे हैं कि वो भड़काते हैं। इन भाषाओं को छोड़े, और इनको छोड़कर आप सरकार संजीदा ढंग से खुले मन से वार्ता के लिए पहल करे और बिना शर्त पहल करे। कोई किसान कहाँ है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो सड़कों पर बैठे रहेंगे। इसलिए आप तो किसानों को उनके अधिकार देने की बात करो, उनको खुशहाल बनाने की बात करो, और जिस दिन किसान खुशहाल होगा, ऋणदाता बन जाएगा, उस दिन देश के ललाट से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक तो धुलेगा ही, साथ ही हम दुनिया में होंगे नंबर वन। इसलिए निवेश आधारित नीति, निवेश आधारित विकास, इस रट को सरकारें छोड़े और किसान केंद्रित विकास, कृषि आधारित विकास, इस पर सरकार चले, इसकी आवश्यकता है। ये देश की मांग है, ये समय की मांग है। जी रामलाल जी, अपना पक्ष रखने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, अन्नदाताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और एक बैठक के बाद ही इस पूरे मामले पर किसान नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी।